भाई निर्मल सिंह खालसा दी कोरोना वायरस करके मौत हो गई सी। ते आज ओना दे निमित्त श्रोमणी कमेटी वालों रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग गुरुद्वारा साहिब विखे पाए गए। इस मौके भाई निर्मल सिंह जी दे परिवारिक मैंबर SGPC दे प्रधान अते श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार भी हाजिर सन। अंतिम अरदास तो बाद रागी जथियां वालों इलाही बाणी दा कीर्तन किया गया। जिक्र योग है कि इस मौके सिर्फ एक ही टीवी चैनल नूं अग्गे जान दिता गया, जिस नाल पत्रकारां विच काफी रोस पाया गया। पत्रकारां नाल गलबात करदे श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दस्या कि ओह पद्म श्री भाई निर्मल सिंह जी दी अंतिम अरदास विच शामिल होण आए हन। परिवार नूं संबंधियां हितों सबूरियां छड़ा दे गए आत्मा ने चरना च निवास बख्शे पिछों परिवार संबंधियां हितों भाणा मिलण दा वादा। भाई निर्मल सिंह जी खालसा दी अंतिम अरदास ते पहुंचे SGPC दे अधिकारी सरदार जिंदर सिंह मेहता ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि लुधियाणा दे ACP साहिब दी कोरोना नाल मौत होण तो बाद उहनां दे संस्कार मौके उहनां नूं गॉड ऑफ ऑनर दिता गया है। उहनां कहा कि पद्म श्री भाई निर्मल सिंह जी नूं वी गॉड ऑफ ऑनर दिता जाणा चाहीदा सी। अज देखो पंथ दी बहुत ही सत्कार शख्सियत सचखंड श्री हरिमंदर साहब के साडे हजूरी रागी जिहड़ा बड़ा लम्मा समा उन्होंने दरबार साहब सेवा की है बतौर हजूरी रागी और वो पंथ की बहुत ही सत्कार शख्सियत सन अपनी मिसाल आप सन और इस महा कोरोना की महामारी है यदा शिकार हो गए पिछले समय के दौरान उन्होंने शरीरक तौर पर सूँ विछोड़ा दे गया और उन्होंने निमित्त उन्होंने आत्मक कल्याणता वास्ते अज अपना गुरद्वारा श्री विवेक सर साहब जरा दरबार साहब मैनेजमेंट थले और उत्थे अज जरा उन्हों की आत्मक शांति वास्ते अखंड पाठ साहब का भोग पैना 11:30 बजे तो लैके लगातार लाइव कर रहे हैं और मैं सिख संगत को बेनती भी करदा कि इन पाबंदियों के कारण सारे समुचे तौर पर सिख संगत की इतने आमद बहुत मुश्किल है आना बड़ा मुश्किल है सानू पता है जिहड़ी कीर्तन की हाजिरी है तुसीं अपना प्यार अपना सत्कार अपनी कीर्त अपनी श्रद्धांजलि जिहड़ी है वो भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी नूं भेट कर सकदे हो। सो इस वास्ते सारे 11:30 तो लैके लगातार जदों तो जिन्ना चिर कीर्तन लाइव चलना अगे बैठो हाजरियां भरो गुरु साहब के दर्शन करो कीर्तन श्रवण करो तो अपनी कीर्त सत्कार जिहड़ा भाई निर्मल सिंह उन्होंने भेट करो। मैं तो साहब जदों भाई साहब का देहांत होया सी उन्हां दी बॉडी नूं काफ़ी ज़्यादा इधर उधर लैके जाया गया लेकिन रात काल जिहड़ा सीगा एक ACP दे ध्यान तो उन्हां नूं गार्ड ऑफ ऑनर तक दिता जांदा क्या समझ हो कि कुछ ना कुछ गलत ही होई है प्रशासन को भी नहीं बनता तो एवें सी पर क्योंकि मेरे ख्याल अमृतसर के पहला उस वेले डैथ सी ये भाई साहब होना की इस महामारी के कारण करके शायद उदो इन्हों को मैनेजमेंट को भी प्रॉपर ढंग का प्रबंध नहीं किया गया क्योंकि मेरी जो मैं पता लगा भी संस्कार का इदा कुछ जो शमशान घाट कमेटियां ने उन्होंने इनकार किया उस तो बाद उन्होंने शरीर लैके अगे जिस जगह प्रोवाइड की गई सी दी गई थी उत्थे लै गए सन पर उदो डिप्टी कमिश्नर सरदार शेर दुलार सिंह होना मेरी गल हुई थी मैं उन्होंने बेनती की थी कि तुम सारे मैनेजमेंट वालों पता है कि भाई निर्मल सिंह होनी साड़ी श्रोमणी कमेटी के नाल सीधे तौर पर संबंधित ने लंबा समा उन्होंने दरबार साहब की सेवा की हजूरी लगी के तौर पर जदों एक घटना वापरी है तो सानू सरकार के संबंध में सीधे तौर पर साडे नाल राबता कायम करना चाहिए सानू हुक्म कर दो असीं अपने आप प्रबंध कर दे क्योंकि एड्डी वड्डी शख्सियत का शरीर पता नहीं क्यों गुप्त ढंग ना चोरी चोरी इधर उधर ले फिरते रहे हैं और जो यह घटना वापरी है वेर के शमशान घाट वालों जो हरपाल सिंह उतों का कोई कौंसलर आ जो उन्होंने रिफ्यूज कहता ये नाल वेर के समुची संगत का भी सिर नीवा होया और समुचे तौर उत्ते ही ये बहुत मंदभागी घटना थी उन्होंने भी अजिहा कारा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जो सरकार है भाई निर्मल सोना का भावें कि मैनेजमेंट के प्रबंध थले सेहत विभाग हदायतों के मुताबिक ही हो रहा है इस वास्ते कोई रिस्क वाली खतरे वाली गल नहीं हैगी तो एक गल क्योंकि आम व्यक्ति लैके स्वस्थ अपने शरीर में नहीं जा रहा
उन्हों का प्रबंध से वही ले जाके जा रहे। डॉक्टर साहबान ने आप हथी अपने संस्कार करना से परिवार के मैंबर नाल सन, इस वास्ते उन्होंने ना नहीं सी करनी चाहिए, बड़ी मंदभागी घटना सी। गार्ड ऑफ ऑनर भी करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा नाम होंगे जी, जब पद्मश्री किसी मिलता जी। देखो नैशनल अवार्ड सन, पद्मी श्री सन, ये कोई शक नहीं, जिन्ना भी सत्कार दिता भी उन्ना थोड़ा, पर मंदभागी घटना वापरी है। और जरा जरा प्रशासन है उन्होंने पता नहीं क्यों इस गाँव चोरी चोरी जा कोई सेहत विभाग ने हदायत इस तरह दियाँ होने करके इन्हों तक मजबूरी भी हो सकती है कि उन्होंने पता ना लग सके कि ना कि जरा लोगों का ट्रेंड इस तरह का बन चुका, डर है लोगों के मन में, हो सकता इन गलों मुख रख के उन्होंने इदा का कोई पैदड़ा लिया हो। पर है ये गलत सगा, श्रोमणी कमेटी संबंध कर प्रबंध अपना करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए उन्होंने, दरबार साहब मैनेजमेंट ना संपर्क कर दे, असी उन्होंने सत्कार का प्रबंध कर दे, जिते भी हों को अपन जगह है ने साढ़े गुरदास साहब उत्थे जगह साड़ी हैगी है, सतनारायण साहब साढ़े को बहुत जगह जिस उत्थे याद यादगारी बाद बनाई जा सकती है। तो इस वास्ते ये शायद पता की मजबूरी बनी है, पर है गल बहुत निंदनीय है, बहुत माड़ी घटना। अमृतसर तो हनी मेहरा, जीवे पंजाब टीवी।